कोरोना ने हमारी जिंदगी को ही बदल डाला है। जहां शहनाइयां गूंजती थीं, आज वहां मुर्गी पाली जा रही हैं। कारोबार चौपट हुए तो लोगों ने काम करने का तरीका भी बदल दिया। मैरिज हॉल अब मुर्गी फार्म में तब्दील होने लगे हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया को बदला तो लोगों ने काम करने का तरीका भी बदल दिया। जिन मैरिज हॉल में शहनाइयां गूंजती थीं और पार्टियां होती थीं, आज उन मैरिज हॉल में मुर्गी फार्म का काम शुरू हो गया है। लालपुर स्थित वरिषा मैरिज हॉल के मालिक आसिम ने बताया, कोरोना के चलते हाल 6 महीने से बंद पड़े हैं। फिलहाल अब इस वक्त मैरिज हॉल में मुर्गी पालन का कारोबार किया जा रहा है। मेरा नाम आसिम अली है। पी एम ने फरीदा मैरिज हॉल बनाया था, उसके बाद में यहाँ पे शादियाँ होती थी, सेनाइयाँ बसती थी और दूल्हा दुल्हन बैठते थे, खाना बराती आते थे, खाना खिलाया जाता था। उसके बाद में यहाँ पे खुशियाँ रात में दिन में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। उसके बाद में हमारे देश में ये कोरोना वायरस आया, उसके बाद में धीरे धीरे सब ये इसको घिरण लगता चला गया, सब हल्के हल्के ये सब ख़त्म होता चला गया। उसके बाद में हालात इतने ख़राब होते चले गए कि मजबूरी में फिर हमें ये मुर्गी के बच्चे पालने पड़े, बैंक से लोन लेना पड़ा। उसके बाद में बैंक से अब नोटिस आने लगे, क्या अब इसमें भी नुकसान होता चला गया। और उसके बाद में मेरी पढ़ाई छूटती चली गई, ये साल पढ़ाई का भी ख़त्म हो गया, एक साल छोड़ना पड़ा भाई का मजबूरी, पैसों की परेशानी आती गई घर में, मजबूरी में ये सब करना पड़ा। इसमें अब दिन रात 4-5 लड़के लगे रहते हैं हम काम करने वाले इनके, फिर भी इसमें भी नुकसान होता चला गया। और सरकार से उम्मीद है कि दोबारा से ये सब कुछ चालू, हमें परमिशन दे, दोबारा से हम चालू करें इसे सब, उसके बाद में फिर से दोबारा से सब कुछ हो, उसके बाद में मैं पढ़ाई चालू करूं अपनी। और फिर हमें सरकार अगर परमिशन देती है तो फिर हम उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बारात भी, अगर शादियाँ भी होती हैं तो बाकी सारी चीज़ का, सैनिटाइज का, बाकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा पूरी उम्मीद के साथ में। सरकार से उम्मीद है, अब बाकी तो सरकार से सारी उम्मीद ही उम्मीद है। अगर सरकार हमें परमिशन देती है तो फिर से हम दोबारा से सारा अपना सब काम चालू कर पाएंगे, ये बच्चे निकाल के हम दोबारा से अपना ये मंडप सब कुछ सजाएंगे, दोबारा कर पाएंगे।